पंडित जी ने खोल दिया है कुंडली का पूरा राज। नित्यम की मां करवाने वाली है सावी के नित्यम से शादी। वेल, यहां बात हो रही है कलर्स टीवी के मोस्ट पॉपुलर शो सावी की सवारी की, और आने वाले एपिसोड में क्या कुछ होने वाला है मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूं। वेल, रीसेंट ट्रैक में हम देख रहे हैं कि कुंडली की हेयर फेयर बहुत जोरों शोरों से चल रही है और सबके सामने कुंडली का राज तो वैसे भी आ चुका है, और कुंडली का पता करने के लिए और असलियत जानने के लिए नित्यम की माँ सावी और सावी की माँ पंडित जी के पास जाते हैं, और पंडित जी बताते हैं कि जिस लड़की से नित्यम की पहले कुंडली मिलाई गई थी वो बहुत ही दुर्लभ कुंडली थी और उसके ऊपर सोनम का नाम लिखा हुआ था। वो कुंडली नित्यम के लिए बिल्कुल सही थी और उसी से ही उसकी शादी होनी थी। जिसके बाद पंडित जी पूछते हैं कि अगर ऊपर का नाम बदला गया है तो अंदर की कुंडली के गुण किसके हैं, जिस पर सावी की मम्मी कहती हैं कि वो गुण सारे सावी के हैं और वो सावी की कुंडली है। सावी की कुंडली काफी ज्यादा दुर्लभ है और लाखों करोड़ों लोगों में से एक है, और ऐसी कुंडली किसी नॉर्मल इंसान से शादी के लिए नहीं बनी है, किसी अद्भुत इंसान के साथ ही शादी के लिए बनी है। इतना सुनते ही नित्यम की माँ काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और वो दोनों वहां से निकल जाती है। नित्यम की माँ पंडित जी से पूछती है कि अब मुझे क्या करना चाहिए, जिस पर पंडित जी बोलते हैं तुम अपने दिल की सुनो। जिसके आगे हम देखते हैं कि नित्यम की माँ जो है वो जैसे ही आंखें बंद कर भगवान से प्रार्थना करती हैं तो उन्हें चारों तरफ सिर्फ सावी ही नजर आती है कि कैसे सावी उससे इतना प्रेम करती है और नित्यम की माँ की इतनी इज्जत करती है। जिसके बाद नित्यम की माँ को ये आंसर मिल जाता है कि सावी ही नित्यम के लिए परफेक्ट है। वेल, अभी देखना बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि कैसे वो नित्यम को कन्विंस करती है सावी से शादी करने के लिए और कैसे सोनम का डालमिया खानदान में आने का सपना टूट जाता है। वेल, वो तो आने वाले ट्रैक में ही पता चलेगा, बट टिल देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।